नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे रुक करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 8.50% हो चुकी है, इसके बावजूद बीजेपी सरकार नींद से जागने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश के आर्थिक हालात और बेरोजगारी को लेकर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बेरोजगारी की वजह से प्रदेश में मौजूदा समय में आत्महत्या की दर पहले से ज्यादा हो गई है। माली और चपरासी के 700 भर्ती में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया। बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया था, लेकिन प्रदेश के प्रत्येक किसान के ऊपर 88,000 रुपये का कर्जा है। एक किसान की प्रतिदिन की इनकम मात्र 88 रुपये है। प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है और सरकार 80 करोड़ का जेट विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। प्रदेश का हर नागरिक 48,000 रुपये के कर्ज के बोझ तले दबा है और सरकार फिर एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। अखबारों में हम सबने देखे लगभग 8.5% के आसपास अभी आज तक के सबसे उच्चतम दर पर बेरोजगारी पहुंच गई। मध्य प्रदेश का वो बाप, वो पिता, वो माता जिसके घर में बेटे बेरोजगार हैं और रोजगार की चाहत में हताश होकर फांसी के फंदे को चूमते हैं, ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। चपरासी और माली के पदों की 700 पदों की आवेदन अलग अलग शहरों में निकले, नियुक्तियों के लिए पद निकले, उसमें लगभग 2 लाख लोगों ने आवेदन किए, नए लड़कों ने आवेदन किए। प्रदेश के हालात क्या है, किसानों का एवरेज 88,000 रुपये का कर्ज हो गया और 88 रुपये रोज किसान कमाता है एवरेज। ये किसान की आय दुगनी करने वाले मुख्यमंत्री का असली चेहरा है।